तो फ्रेंड आज बात करने वाले हैं कि जो हमारा कंप्रेसर होता है वो ब्लास्ट क्यों होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं वो जानेंगे वीडियो में। लास्ट तक देखो आप वीडियो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्यों होता है और किस तरह से बचें हम। और इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड जानने वाले हैं कि इस वीडियो में कि जो हमारा कंप्रेसर होता है वो ब्लास्ट क्यों होता है। तो फ्रेंड क्या होता है कि अगर आप नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या होता है कि जब आप गैस चार्ज करते हो तो उस टाइम क्या होता है, अगर आप नाइट्रोजन से प्रेशर डाल रखे हो अपने सिस्टम में तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है वो पूरी तरह से आपको निकालना होता है, वैक्यूम करना होता है अच्छे से, ताकि जो आपको वैक्यूम बहुत अच्छे से करना होता है इसके लिए आपको सेफ्टी रखना होता है। और अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में अगर फ्रेंड आप कभी भी आप गैस टॉपअप कर रहे हो या गैस चार्जिंग कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा जो गैस लीकेज होता है तो हमारा जो एक्स्ट्रा एयर होता है वो हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद रहता है। तो उसको क्या करना होता है कि अगर आप पूरा गैस को निकाल दें तो बहुत अच्छा है, फिर नए से गैस चार्जिंग करना चाहिए आपको और वैक्यूम अच्छे से करना है। अगर वैक्यूम आपका अच्छा रहेगा तो आपको गैस चार्जिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गैस टॉपअप का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मशीन में गैस टॉपअप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मशीन को बंद रखना है, उस टाइम गैस टॉपअप करना है, यानी जहाँ तक हमारा गैस चला जाता है वहाँ तक अच्छा है। अगर एसी 80% तक आपका गैस अगर चार्ज हो जाता है तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी जो 20% है आपको मशीन को चालू रखना है और मशीन को फुल मोड पर रखना है, यानी कूल या तो पावरफुल मोड पर रखना है या तो इसका जो टेम्परेचर है कमती पर रखना है। और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा गैस टॉपअप करना है, यानी एक ही बार टॉपअप नहीं करना है, रुक रुक के टॉपअप करना है, जिससे कि हमारा जो कंप्रेसर है हीटअप नहीं होएगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो ये सारे सिस्टम से अगर आप काम करोगे तो कंप्रेसर कभी भी ब्लास्ट नहीं होएगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हो आप पिक्चर, ये इन गलतियों की वजह से ब्लास्ट हुआ है कि जो इसमें सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसके वजह से ये जो हमारे कंप्रेसर हैं और हमारा भाई लोग को बहुत नुकसान हो गया। तो फ्रेंड कभी भी आप अगर एसी का काम कर रहे हो तो बहुत सेफ्टी से गैस चार्जिंग करना है और वैक्यूम तो बहुत ही अच्छे से करना है। और नाइट्रोजन का अगर प्रेशर कर रहे हो तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो पूरा निकाल देना है, वैक्यूम करना है, फिर अच्छे से गैस चार्जिंग करना है। और टॉपअप करने के टाइम आपको धीरे धीरे टॉपअप करना है, एक ही बार टॉपअप नहीं करना है, रुक रुक के टॉपअप करना है। या 410 है या 32 है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।